हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं आलू प्याज की बोरी का रीयूज करके कुछ खूबसूरत सा क्राफ्ट। ऐसा क्राफ्ट आपको बनाना हो तो ये बोरी आपको आपके नज़दीकी किसी भी दुकान से बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने आने वाले बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हमने एक आलू की बोरी, आलू प्याज की जो ऐसी बोरी आती है उनको लेना है और इसका एक किनारा हमने काट लेना है और उसमें से कुछ इस तरीके से हमने जो तिरछी वाली इसकी लाइन है इसको निकाल लेना है। इसको निकालने के लिए आपको आसानी होगी, पहले आप दोनों साइड से कुछ इस तरीके से कट लगा लें। इससे आपको इन तिरछी धागों को निकालने में आसानी होगी। तो इस तरीके से दोनों साइड से काट लिया, अब ये बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, देख सकते हैं आप वीडियो में। मैं इसको पूरा निकाल लेती हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने पूरी एक बोरी का निकाल के रख लिया है। इस तरीके से मैंने तीन बोरियाँ निकाल के रखी हैं। अब आगे वीडियो में करना क्या है मैं आपको बताते जाती हूँ। तो इस तरीके से हमने एक साइड से इसको, ये सिक्योर है अभी एक साइड से, और पहले हमें एक कंगन लेना अपना, उस पर हमने आलू की बोरी का ही कुछ डोरी हमने कुछ इस तरीके से लपेट लेनी है। इस कंगन को हम पूरा कवर कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से हमें इसको पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखो मैंने चूड़ी पूरी कवर कर ली है, खूबसूरत बन के रेडी हो चुकी है। दूसरा, फिर हम इस बोरी की एक साइड को इस तरीके से बांध लेते हैं, इस पर एक नॉट टाई कर लेते हैं और जो दूसरा हिस्सा हमारा ये बचा है इसको हम किनारा इसका काट लेते हैं। अब हमें इसके दो भाग में इसको डिवाइड करना है और कंगन में, जैसे आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से इसको फ्लिप करके कटे हुए हिस्से को पूरा कवर करके इस पर एक नॉट टाई कर लेनी है। इस तरीके से इसको अच्छे से खींच के इस पर अब हम एक नॉट टाई कर लेंगे टाइट। आगे वीडियो में आप देखते जाइए इसमें करना क्या है। अच्छे से नॉट टाई कर लेंगे हम। आप चाहें तो किसी रबड़ से भी इसको नॉट टाई कर सकते हैं। मैंने इसको आलू की बोरी से किया इसलिए ताकि ये दिखे ना। अब हमें इसके छोटे छोटे सेक्शन में इसको डिवाइड कर लेना है, छोटे छोटे, जैसे आप चोटी गूंथते हैं उस तरीके से दो दो भाग करके इसको डिवाइड कर लेना। अब दो भाग को हम कुछ इस तरीके से नॉट टाई करेंगे, आप देख सकते हैं, जैसे एक रस्सी नीचे रखी और एक को तिरछा करके इस तरीके से इसको लूप सा बनाना है हमें। अब जो धागा हमने नीचे खींच के किया उससे हम अगले धागे को फिर एक भाग और निकाल के रखेंगे, फिर उस पर हम फिर से इसको सेम उसी तरीके से पूरे ऑल ओवर राउंड में हम इसको रिपीट करते जाएंगे। शुरू शुरू में आपको इसको सेक्शन में डिवाइड करने में दिक्कत होगी क्योंकि ये धागे आपस में उलझते हैं। बाद में जब एक बार ये अच्छे से सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग, तो उसके बाद आपको इसको डिवाइड करने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं इसको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड राउंड में भी इसी तरीके से रिपीट करेंगे इसको। सेम हमने रिपीट करते जाना है जितनी आपको लेंथ रखनी है इसको बुनने की, उतना ही हम इसको इस तरीके से रिपीट करते जाएंगे। जो हमें धागे को खींचना है वो आपको दिखा था अभी कैसे खींचना है। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया, उसके बाद हमने इसको इस तरीके से पीछे से घुमा के अच्छे से ऐसे निकाल लेना है। और अब हमने जो धागा निकाला उसको हमें खींचना है, दूसरे वाले साइड के धागे को हमें खींचना नहीं, उसको हम नीचे को खींचेंगे तो ये एक खड़ी लूप सी बन के तैयार हो जाएगी, इसी से हमारी डिजाइन निकल के आएगी। तो इसको आप पूरा देखते जाइए किस तरीके से इसकी फिनिशिंग होती है, बहुत अच्छा बन के रेडी होता है।
लास्ट में हमें क्या करना है इसमें, फिर आगे आपको बताते जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पूरा कंप्लीट करने के बाद इसमें एक नॉट टाई कर लेना लास्ट कॉर्नर पे भी, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको टाइट से इसी धागे से एक नॉट टाई कर लेना, जितनी लेंथ आपको रखनी है उतनी लेंथ की आप डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद इसको नॉट टाई कर लें। नॉट टाई करने के बाद आप समझ ही गए होंगे क्या बन के रेडी हो रहा है। अगर समझ गए हैं तो कमेंट करके बता दीजिए क्या गैस किया आपने। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और एक्स्ट्रा जो भी ये छोटे छोटे बाहर निकले हुए हैं इनको हम कट कर लेंगे। हमारा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र कंघी टांगने वाला बन के रेडी हो गया है। नीचे के किनारे से भी हम इसको अच्छे से काट लेंगे, बराबर कर लेंगे इसको। बाज़ार से हम जो थ्रेड लेते हैं वो बहुत महंगा आता है, और इस तरीके से आलू की बोरी से यह बहुत सस्ते में घर पर ही बन गया है, बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देख सकते हैं हम कितना खूबसूरत सा हमारा कंघी टांगने वाला ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। तो देखिए ये हमारा खूबसूरत सा कंघी टांगने वाला ऑर्गेनाइज़र। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा आपको ऑर्गेनाइज़र कमेंट करके ज़रूर बताना।